हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता, वेलकम टू माय चैनल साई किचन। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है कटहल दो प्याजा। आइए देखते हैं ये कैसे बनती है। फ्रेंड्स, एक किलो कटहल मैंने लिया, जिसको मैंने धो के छील के काट लिया है। काटते समय चाकू में हमें सरसों तेल लगाना पड़ता है, वरना वो लसलस करता है, लेस इसकी बहुत ज़्यादा रहती है, गोंद की तरह चिपकती है। और उसको मैंने हल्दी, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच नमक डाल के कुकर में एक सीटी दिला दिया है, जिससे हल्दी इसमें कलर इसका थोड़ा आ जाए पीलापन, और नमक भी इसके अंदर चला जाए। ये 2.5 चम्मच मैंने जीरा पाउडर लिया है, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, 2 पिंच हींग लिया है मैंने, 1 चम्मच जीरा, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 2 लौंग है, 1 चम्मच जीरा है, ये 4 हरी मिर्च की मैंने लिए जिसको स्लाइस में काट लिया है, ये 2 चम्मच धनिया पाउडर है, ये अदरक का 1 चम्मच पेस्ट है और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट है, ये 1 चम्मच गरम मसाला है, ये धनिया पत्ता है जिसको मैंने डेकोरेट के लिए लिया है, ये प्याज को मैंने स्लाइस निकाल लिया है, स्लाइस में कट किया है, ये प्याज और टमाटर की प्यूरी है मैंने, जिसमें 4 टमाटर और 3 प्याज लिया है। आइए देखते हैं अब ये कैसे बनेगी। गैस को मैंने ऑन कर लिया है, उसमें सरसों का तेल डालेंगे। ये सरसों के तेल में ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है ये सब्जी। तेल गर्म होने के बाद कटहल को मैं फ्राई करूँगी। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें थोड़ा थोड़ा कटहल डाल के हम इसको फ्राई कर लेंगे। कटहल हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब इसको हम निकाल लूंगी मैं। इसी प्रकार हम सारे कटहल को फ्राई कर लेंगे। कटहल हमारे फ्राई हो चुके हैं सारे के सारे, इसे हम निकाल लेंगे। इसी तेल में हम प्याज को फ्राई कर लेंगे, बस ट्रांसपेरेंट करना है फ्रेंड, जिसे इसका क्रंचनेस ना जाए, गोल्डन ब्राउन नहीं करना है इसको। इसको हाई फ्लेम पे हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं, इसको अब निकाल लेंगे। फ्रेंड, आप यदि कम तेल में बनाना चाहें तो कटहल को चाहे ना फ्राई करें, वैसे भी उसको डाल सकते हैं। अब इस तेल में हम जीरा, इलायची, लौंग ये डालेंगे। जब जीरा हमारा क्रैकल करने लगेगा तब मैं हींग डालूंगी। गैस का फ्लेम हमें कम रखना है ताकि मसाले हमारे जले नहीं। जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अदरक और लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च की स्लाइस, इसको हम खूब अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
मसाले जले नहीं, इसलिए मैं प्याज और टमाटर की प्यूरी को डालूंगी। इसमें अब मैं नमक डालूंगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा फ्रेंड नमक। फ्रेंड हमारा मसाला रेडी हो गया है, पूरा तेल छोड़ दिया है मसाला। अब इसमें मैं कटहल मिलाऊंगी। इसमें प्याज को भी मिला देंगे और 2 मिनट इसे फ्राई करके इसमें पानी मिलाएंगे। आप अपने हिसाब से पानी मिलाइएगा, आपको जैसे जितना तरी रखना है उस हिसाब से आप पानी मिलाइए। फ्रेंड हमारी सब्जी फ्राई हो गई है और अब इसमें पानी मिलाएंगे। डेढ़ गिलास के करीब मैंने इसमें पानी मिलाया है और आपको जितनी तरी रखनी होगी उसी हिसाब से आप पानी मिलाइएगा। अब इसको ढक के रख देंगे, 5 मिनट बाद मैं इसको चेक करूंगी। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम सब्जी को चेक करेंगे। फ्रेंड्स हमारी सब्जी रेडी हो गई है, बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है गरम मसालों की। और अब मैं इसे गैस को बंद करूंगी और सब्जी को सर्व करूंगी डोंगे में। इसमें गरम मसाला मिला लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और सब्जी को सर्व करेंगे। सब्जी हमारी रेडी हो गई है फ्रेंड, हमने इसे कटोरे डोंगे में सर्व कर लिया है। अब इसको हम धनिया पत्ता के साथ डेकोरेशन करेंगे इसका। और ये सब्जी फ्रेंड पूरी पराठे चावल हर किसी चीज़ के साथ अच्छी लगती है, लेकिन मुझे पर्सनली ये सब्जी पूड़ी के साथ बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। फ्रेंड आप भी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मुझे बताइए। फ्रेंड आपको अच्छी लगे मेरी रेसिपी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।